हेलो दोस्तों कैसे हो आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी बिरयानी अजीब लगा ना सुनने के लिए नहीं पर्दा बिरयानी इसे पर्दा बिरयानी भी कहते हैं ये खाने के लिए बहुत ही मजेगी है Guess और मेरी बेटी को लगा ये लजानिया है oh no, it's दो कप बासमती राइस इसे हमने अच्छे से वॉश करना है वॉश करने के बाद में इसे हमने तकरीबन एक घंटे के लिए सोक करना है चिकन आधा किलो एक टेबलस्पून नमक एक टेबलस्पून नींबू का जूस एक टेबलस्पून भर के घर का बना हुआ बिरयानी मसाला एक टीस्पून हल्दी एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर दो टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर दो टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट दो टेबलस्पून भर के दही लेनी है इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है और एक तकरीबन एक घंटे तक इसे मैरिनेट करना है तीन टेबल स्पून हमने गरम दूध लिया है इसमें हम एक पिंच सेफ्रॉन डालेंगे इसे हमने अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके हम रख देंगे साइड में यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है इसमें हम तकरीबन ऑल पर्पज फ्लावर डालेंगे दो कप भर के एक टी नमक इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे हमने थोड़ी जगह की है यहाँ पे हम डालेंगे एक टेबलस्पून भर के दही आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमने आटा लगाना है इस आटे को हमने ना पतला बनाना है ना हमने गाढ़ा बनाना है जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह लगाना है लेकिन थोड़ा सा इसे थोड़ा हार्ड होना चाहिए इस आटे को लगाने के लिए हमें तकरीबन पाँच से सात मिनट लगेंगे एक टीस्पून हमने घी लिया है और इसे हमने थोड़ा सा और मसाज करनी है अच्छे से इसकी यह हमारे सात से आठ मिनट हो चुके हैं हम इसे इस तरह से करके हमने एक कपड़े का हेल्प लेके इसे कवर करना है और इसे हम रखेंगे आधे घंटे के लिए अब हम चिकन बनाएंगे रेडी करेंगे एक पॉट लिया है, दो टेबल स्पून घी लेनी है एक तेज़पत्ता एक दालचीनी का दो इलायची काली वाली तीन हरी इलायची एक हमने लिया है जावित्री एक चक्री फूल और हमने यहाँ पे लिए है लौंग तकरीबन चार से पाँच और काली मिर्च हमने लिए है आठ से दस और एक टीस्पून हमने लिया है शाही ज़ीरा एक प्याज़ लिया है हमने इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है अच्छे से जो हमने मसाला मैरिनेट किया था चिकन उसे ऐड करेंगे इसे हमने हाई फ्लेम पे इसे भुनना है हमने तकरीबन सात से आठ मिनट तक इसे हम कवर लीड करके चिकन को हम पकाएंगे तकरीबन दस से पंद्रह मिनट तक या जब तक हमारा चिकन नहीं गलता है तब तक हमने पानी लिया है एक तेज़पत्ता एक ज़ीरा टी स्पून दो इलायची ब्लैक पेपर आठ एक दालचीनी दो से तीन लौंग हरी इलायची दो और हरी मिर्चों को हमने बीच में से दो को स्लीट लगाया हरी मिर्चें बाकी के वैसे ही डाले हमने तकरीबन सात तीन टेबल स्पून हमने इसमें नमक डालना है धनिया और पुदीना हमने इसमें ऐड करना है इसे हमने अच्छे से पाँच मिनट तक बॉईल लाना है बॉईल लाने के बाद में हमने इसमें दो टेबलस्पून हमने इसमें डाला है विनेगर अगर आपको विनेगर पसंद नहीं है तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं राइस हमने तकरीबन नाइन्टी परसेंट कुक करने हैं ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें राइस चाहिए ये नाइन्टी परसेंट ऑलरेडी कुक हो चुके हैं अब हम इसे ड्रेन आउट करेंगे हमने इसे पूरा पानी नितरने तक ड्रेन करना है उसके बाद में हमने एक प्लेट लेनी है उस प्लेट में हमने राइस कुल होने के लिए रखने हैं तकरीबन पाँच मिनट तक हमने फोर्क का इस्तेमाल किया है ताकि राइस हमारे टूटे नहीं जो आपको मसारे एक्सेस नज़र आ रहे हैं आप चाहिए तो निकाल सकते हैं नहीं चाहिए तो आप रख सकते हैं राइस को आपने बिल्कुल टूटने नहीं देना है अब हम इसे कूल करने के लिए रख देंगे यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा चिकन यहाँ पे चिकन भी है रेडी हो चुका है अब हमने यहाँ पे टेबल सफ़ा करके इसके ऊपर हमने एक रोटी बेलनी है बड़ी सी जो हमने आटा गूँथा था उसका तो यहाँ पे हम यहाँ पे गूँ इसको हमें जिस पॉट में हमें बनानी है उस पॉट में हमें उसी का शेप का हमें इसको बनाना है उससे भी बड़ा क्योंकि हमें इसके अंदर बिरयानी भरनी है आप देख सकते हैं हमने कितना बड़ा किया इस पॉट के से भी ज्यादा अब इसमें हमने एक टेबलस्पून ऐसा घी लगाना है अब हम थोड़े आलमंड डेकोरेट करेंगे आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं नहीं चाहिए तो आप नहीं कीजिए अब हम इस रोटी को फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमें इसे आसानी से पॉट में रख सके तो हमें बहुत संभाल के करना है ये देखिए हमने इस तरह से किया है इसे थोड़ा खींचना है हमें थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा हरी पुदीना थोड़ा सा फ्राई किया हुआ अनियन इसमें हम आधे राइस अब डालेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी है चिकन की और राइस की थोड़ा सा धनिया पुदीना आपको जैसा पसंद है अब हमने चिकन जो हमने पकाया है उसे हम इसके ऊपर डालेंगे पूरा हमने चिकन डालना है थोड़ा सा गार्निश धनिया अब हम राइस डालेंगे जो हमारे बच्चे हैं वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो सेफ्रॉन मिल्क बनाया था उसे हमने इसमें ऐड करना है धनिया पुदीना और घी हमने तकरीबन दो टेबलस्पून डालनी है अब हम इसे इस तरह से खींच खींच के संभाल के इसे हमने पूरा बंद करना है ये देखिए जिस तरह से हमने खींच के किया है इस तरह से आपने करना है संभाल संभाल के ये पूरा रेडी हो चुका है अब हमें इसे चूल्हे के ऊपर इसे हाई फ्लेम पे हमें इसे चार मिनट तक कुक होने देना है आपने संभाल संभाल के इसे चारों तरफ से घुमा घुमा के आपने इसे पकाना है आप देख सकते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से लेकिन आपने आपका भी ख्याल रखना है साथ साथ में अब हमने इसको फ्लिप करने के लिए एक तवा लेना या दूसरा कौन सा भी फ्राई पैन ले सकते हैं इसको ऊपर रखिए और इसे बहुत संभल के आपने फ्लिप करना है इस तरह से ये देखिए अब इसे हमने पैन को हम चारों तरफ बंद करके इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये नीचे से भी पक जाए और ऊपर से भी पक जाए तो अब हमने यहाँ पे घी लेनी है और तकरीबन हमने दो टीस्पून या दो टेबलस्पून हल्का हल्का चारों तरफ हमने उसे लगाना है ताकि नीचे जो आटा है वो चिपक ना जाए इस तरह से हमने करना है अब इसे हमने धीरे 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 सर्कल में घुमाते जाना है ताकि हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो भी पकना चाहिए आप देख सकते हैं ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है वेल गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय